बाद पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को पैरों से कुचलकर इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। मैहर अस्पताल में इलाज जारी। पिता टेंट का व्यापार करता था। टेंट के गंदे कपड़े धोने के लिए बेटी से बोला तो कुछ काम की वजह से नाबालिग से देर हो गई। तभी जल्लाद पिता ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को पैरों से मारा। पटना में खतरों के बीच निकाली गई मैराथन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आरंभ युवाओं समिति ने मैराथन दौड़ का किया आयोजन। सिविल लाइन से सर्किट हाउस नेशनल हाईवे में खतरों के बीच निकाली गई रैली, जो सीधे हादसों को दे रही थी आमंत्रण, लेकिन सड़क में कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दिखाई दी। कलयुग के अवतार, विश्व शांति एकता, जीवन के संदेश वाहक श्री गुरुदेव जी महाराज का 552वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निकाले गए भव्य नगर कीर्तन का बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने जगह जगह पर किया स्वागत। आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह अमरपाटन सहित आसपास के आदिवासी रहे मौजूद। भोपाल में 13 लोग प्रधानमंत्री के कक्ष में बैठे हुए। पूछा चला जा रहा है कितना आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, साइंटिस्ट बन गया, नेता बन गया, है ना। आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी चित्रकूट, मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में करेंगी पूजा आरती, राम घाट में महिलाओं के साथ करेंगी संवाद, कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू। सेना के जवान ने माता पिता को लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, घरेलू विवाद का है मामला, मौके पर पहुंची थाना पुलिस। ग्वालियर में भी उत्साह के साथ मनाई गई जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आदिवासी भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ देखा। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल उपस्थित हुए। ग्वालियर में बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच में नहीं की जाती है पासबुक एंट्री, एक मशीन के सहारे होती है एंट्री, वो भी पिछले कई महीनों से है खराब। आम आदमी होता है रोज परेशान, मैनेजर बिल्कुल लापरवाह। कब से खराब है मशीन ये? कम एक हफ्ता हो चुका है इसको। कोई सुधार नहीं है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं है। मैं ब्रांच मैनेजर मिस्टर जादव है इधर, अब इतना नहीं पता नहीं। अच्छा अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांच। सतना अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही ने जिले के विभिन्न भागों से आए फरियादियों की सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठाकर समस्याएं सुनी और साथ ही समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 3 दिवसीय प्रवास पर चित्रकूट पहुंचे राज्यपाल मूंगा भाई पटेल। चित्रकूट के महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।